Good morning, all of you. This is Rupesh Tamar from Layal Public School. In today's class, we are going to do Abhyas paper, Abhyas patra. Kiska? Hindi ka Bhag B. Bhag A humne kar liya tha. Ye aaj hum karenge Bhag B. So Bhag B ka question hai. Question number 14 is 13 tak to English Bhag A ke paper mein aa gaye the na bacha. Pariksha भाग अ में आ गए थे अभ्यास कार्य में. तो अभी हमें क्या करना है कि इसमें भाग ब में 14 नंबर है कहानी. कहानी प्यासा कौआ जो कि फिलिप्स में है बट आपके एग्जाम में फिलिप्स में नहीं आएगी. कंप्लीटली लर्न करनी. एक डैश प्यासा था. कौन प्यासा था? कौआ. तो क्या आ जाएगा फिलिप्स में? कौआ. एक कौआ प्यासा था डैश में पानी कम था. किसमें पानी कम था? घड़े में. घड़े में पानी कम था. उसने घड़े में डैश डाले. क्या डाले? कंकड़. उसने घड़े में कंकड़ डाले. फिर क्या हुआ? डैश ऊपर आ गया. कौन ऊपर आया था? पानी. तो हम क्या लिखेंगे? पानी. पानी ऊपर आ गया. कौआ पानी पीकर डैश गया. कौआ पानी पीकर उड़ गया. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? उड़. उड़ गया कौआ पानी पीकर उड़ गया. नेक्स्ट है क्वेश्चन वाक्य बनाओ. वाक्य बनाओ में नंबर 1 है सच. सच सदा सच बोलो. सच का वाक्य बनाना है हमें. सदा सच बोलो. नंबर 2 है नमः. तो भगवान को नमः करो. माता पिता को नमः करो. भगवान को नमः करो. नंबर 3 है झंडा. हमारा झंडा तिरंगा है. तिरंगा है. नंबर 4 है शोर. शोर मत करो. ठीक है. तो ये हमारे हुए वाक्य बनाओ. अब हमें क्या करना है? सही शब्द पर निशान लगाना है सही का. तो हाथी होता है या हाथी? हाथी राइट है. हाथी रोंग है. माँ ये वाला रोंग है. ये राइट है. मोर. मोर तो नहीं होता. मोर होता है ना. तो हम मोर लिखेंगे यहाँ पे. ये वाला मोर है. तो मोर हमारा सही है ये वाला. अब घोड़ा घोड़ा. तो घोड़ा तो नहीं होता ना. घोड़ा होता है घोड़ा पे. ठीक है. नेक्स्ट है शोर. शोर तो नहीं होता. शोर होता है. तो ये रोंग है और ये राइट है. ओके बेटा. तो ये हुआ है हमारे सही शब्द पर हमने निशान लगाया. नेक्स्ट है वर्णों को जोड़कर लिखना है. तो ल, ल के बाद में अ की मात्रा. फिर क, क को बड़ी की मात्रा. ल की. नेक्स्ट है म, म को ओ की मात्रा. र बंदर. बन द र चांद. च, च को आ की मात्रा. ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा. द नम है. न म नम है. ओके. तो ये हुए वर्णों को जोड़कर आपने लिखा है. सही शब्द पर निशान लगाया है और उसके साथ ही आपने वाक्य बनाओ किए हैं और कहानी प्यासा कौआ की है. अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो बोर्ड पर करवाने की नीड नहीं है. आपको ओ और औ की मात्रा के शब्द दिए हुए हैं. वो अलग अलग छांट कर लिखने हैं. नेक्स्ट है पक्षियों के नाम पर हमें सर्किल बनाना है. गोला बनाना है. और उसके बाद है सही मात्रा लगाकर शब्द पूरा करना है. तो हमें सही मात्रा लगानी है और शब्द पूरा करना है. फिर औ की मात्रा के शब्द है. औ की मात्रा हमें क से श्र तक औ की मात्रा लगा सॉरी ओ की मात्रा लगानी है.
खो घोड़ो, तो वो कहां तक लगानी है? क से श्र तक। नेक्स्ट है खाली जगह भरो, उन प्रश्नों के उत्तर लिखो और चित्र पहचान कर नाम लिखो, वो मैं आपको करवा देती हूँ। ओके यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खालिस्तान भरिए। खालिस्तान भरिए नंबर वन है पेड़, पेड़ पर डैश बैठी है, पेड़ पर डैश बैठी है, पेड़ पर कोयल बैठी है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? को ल, पेड़ पर कोयल बैठी है, डैश खराब हो गया, डैश खराब हो गया, मौसम खराब हो गया। क्या खराब हुआ था? मौसम, मौसम खराब हो गया। डैश मत करो, क्या मत करो? शोर मत करो, तो हम क्या लिखेंगे? श को की मात्रा, शोर शोर। हमारे झंडे का नाम डैश है, हमारे झंडे का नाम तिरंगा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? तिरंगा। त को छोटी की मात्रा, र को अंक की मात्रा, ग को आ की मात्रा, गा तिरंगा। नेक्स्ट है डैश खेलो, डैश खेलो होली खेलो, क्या खेलो? होली खेलो, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ओ की मात्रा, हो ल को बड़ी की मात्रा, ली होली खेलो। डैश निकल आया, चांद निकल आया, चांद। च को आग की मात्रा, सॉरी च को चंद्रबिंदु, आग की मात्रा, फिर चंद्रबिंदु की मात्रा, द चांद निकल आया। नेक्स्ट है सुमित डैश बजे उठता है, सुमित कितने बजे उठता है? सुमित 6 बजे उठता है। डैश और चीनी खा, घृत और चीनी खा। ओके, तो ये हमने किया फिलअप, सॉरी खाली जगह भरो। नेक्स्ट हम करेंगे प्रश्न उत्तर। क्या मत करो? शोर मत करो, क्या मत करो? शोर मत करो, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? श, श को ओ की मात्रा, शोर शोर। बाकी क्वेश्चन में ही है, देखो बेटा मत करो। नेक्स्ट है मंदिर में क्या बज रहा है? मंदिर में शंख बज रहा है, तो हम लिखेंगे मंदिर में के नीचे में। अब क्या, यही तो हमारा प्रश्न है, क्या क्या बज रहा है? शंख, तो हम क्या की जगह क्या लिखेंगे? शंख, ख शंख बज रहा है, मंदिर में शंख बज रहा है। गांव का नाम क्या था? गांव का नाम जौनपुर था, तो यहाँ लिखोगे गांव का नाम। ये सब तो सेम ही लिखना है, बस क्या की जगह हमें जौनपुर लिखना है, जौनपुर था। नेक्स्ट है क्या बजाओ? ढोल बजाओ, क्या बजाओ? ढोल, ढोल बजाओ की जगह बजाओ, बजाओ। नेक्स्ट है प्रातः कितने बजे उठो? प्रातः है 6 बजे उठो, तो प्रातः की जगह हम प्रातः लिखेंगे, कितने की जगह हम 6 लिखेंगे, बजे की जगह बजे, उठो की जगह उठो, प्रातः है 6 बजे उठो। ओके, तो ये आपका है क्वेश्चन आंसर और खाली जगह भरो और प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र पहचान का नाम लिखो। तो आपको चित्र बना के मैं दूंगी पीडीएफ में, आपको उसको देख के उसके नेम लिखने हैं। ठीक है, तो आप अपना पेपर अपने आप करेंगे, प्रैक्टिस पेपर विदाउट एनी हेल्प। ओके, और अपने अपने क्लास टीचर को सेंड। बाय, टेक केयर।